गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि सूर्यदेव महाराज मीन राशि से 13 अप्रैल शनिवार 2024 को रात्रि 11:26 से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो धनराशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में पूरे एक महीने रहेंगे। एक महीने तक इन राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके विशेष क्या उपाय हैं, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए शुभ है। पूरा महीना संतान से सहयोग प्राप्त होगा, बुद्धि और विद्या का भरपूर लाभ मिलेगा। यश मिलने के आपके योग दिखाई दे रहे हैं, भाग्य प्रबल रहेगा, धन लाभ थोड़ा मंदा रहेगा। विशेष उपाय, मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करिएगा। कभी कार यानी मकर राशि, मकर लग राशि के जातकों, इस महीने माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन सुख शांति में कुछ बाधा आएगी, आयु की वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में बाधा आने के योग दिख रहे हैं, पिता को भी कष्ट मिलने के चांस हैं। विशेष उपाय, शुक्रवार को प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करिए। कुंभ राशि, कुंभ लग राशि के जातकों, इस महीने आपके भाग्य में बाधा आने के योग दिख रहे हैं। धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, परंतु आपका साहस मजबूत रहेगा, भाई बहन का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने ही पराक्रम के द्वारा, अपने साहस के द्वारा रोजगार में आप अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। विशेष उपाय, बुधवार को स्नान करके प्रातः के समय हरे वस्त्र धारण करिएगा। पाइसेस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जातकों, इस महीने धन हानि होने के योग दिख रहे हैं। परिवार में मतभेद होने के चांस दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा, दुश्मन से सावधान रहिए, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आयु को हान पहुंचने के योग दिख रहे हैं। पुरुषों की शक्ति का भी हान होने की योग है। विशेष उपाय, सोमवार को प्रातः स्नान करके भोलेनाथ पर दूध मिश्रित जल अर्पित करिएगा और अपनी दुख मुसीबत को उनके सामने रखिएगा और विनम्र निवेदन कीजिएगा,
हे भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो। जय माता दी।